सो हे गाइस, वेलकम टू द मेडिकल जानकारी। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, पांच ऐसे इंजेक्शन जो घाव को भरने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। घाव किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि चोट का घाव हो, स्टिचिंग का घाव हो, ऑपरेशन का घाव हो, या आपका रगड़ आ गया कहीं पर, या फिर किसी वजह से जल गया है उसकी वजह से घाव बन गया है, साथ ही साथ फोड़ा फुंसी हो गया है। तो इन कंडीशनों में आप इन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंजेक्शन हैं। और हर इंजेक्शन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगा। पूरी इंजेक्शन के बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आई बटन में सबके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में समझ सकते हैं। गाइस, कोई भी इंजेक्शन आपने अपनी मर्जी से यूज़ नहीं करना है, जब तक कि आप उसके बारे में अच्छे से जान ना लें। बिना डॉक्टर की सहायता के आपने ये इंजेक्शन यूज़ बिल्कुल भी ना करें। ये केवल आपकी जानकारी के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गाइस, फर्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं। जो सबसे अच्छा इंजेक्शन है और काफ़ी सस्ता इंजेक्शन है, जो आता है आपका जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं। जो भी सारे इंजेक्शन है वो एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करता है। बेसिकली एमिनोग्लोकोसाइड इंजेक्शन के साथ ही देखने को मिल जाता है। ये सभी प्रकार के इंफेक्शन में यूज आप कर सकते हैं, लाइक घाव को भरने में, इंफेक्शन को रोकने में, यूटीआई के इंफेक्शन में, आपका गले में सूजन हो रहा है, पेशाब में जलन आ रही है, या किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। 3 से 4 रुपए का मात्र 2 ml की वाइल के साथ ही देखने को मिल जाता है, जिसमें 20 mg का देखने को आपको मिल जाएगा। और काफी सस्ता इंजेक्शन है, इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम इस इंजेक्शन को ही टॉप पे रखा है, और इजीली आपको मेडिकल्स में भी मिल जाएगा, जो गरीब से गरीब इंजेक्शन इसका यूज कर सकते हैं। दूसरे इंजेक्शन की बात करते हैं तो दूसरा आता है एमिकासिन इंजेक्शन। ये भी गले के एमिनोग्लोकोसाइड के साथ ही देखने को मिल जाता है। इसका थोड़ा क्वांटिटी जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 100 से 150 रुपए के अंदर का देखने को मिल जाता है, और आपको 50 mg से 250 या 500 mg की क्वांटिटी में एमिकासिन मिल जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब एमिनोग्लोकोसाइड के साथ है तो इसका यूज़ भी सेम ही होगा जो जेंटामाइसिन के साथ देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत क्या होता है कि प्लस पॉइंट हो जाता है कि थोड़ा अच्छा इंजेक्शन हो जाता है, क्वांटिटी थोड़ा बढ़ के आ जाती है। ये भी आपके घाव को भरने में बहुत ज़्यादा काम करता है, किसी भी प्रकार का वो घाव हो सकता है। अब इसमें डोजेस की बात कर लेते हैं तो एमिकासिन को आप दिन में 2 बार भी दे सकते हैं या फिर 3 बार भी दे सकते हो। पेशेंट की कंडीशन को देखकर ही इसका डोज जो होता है वो मापा जाता है, और जेंटामाइसिन का भी सेम ही होता है। साइड इफेक्ट्स दोनों लगभग सेम ही होते हैं, सिर दर्द, त्वचा में चखत्ते होना और किडनी जैसी कंडीशन में इनका यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है आपका सेफ्रेटेक्साज़ोन। सेफ्रेटेक्साज़ोन क्या होता है कि इसमें मोनोसेप इसका टॉप ब्रांड में देखने को मिल जाता है। मोनोसेप इंजेक्शन आपको 250 mg में, 500 mg में, 1 ग्राम की क्वांटिटी में मिल जाता है। बेसिकली मोनोसेप को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कंडीशन में ही यूज़ किया जाता है, और ये दोस्तों सिफोलोस्पोरिन दवाई के साथ संवर्ग में देखने को मिल जाता है। चोट के घाव को भरने में, आपका स्टिचिंग के घाव को भरने में, जले के घाव को भरने, ऑपरेशन घाव में, टाइफाइड की कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ यूटीआई के इन्फेक्शन में और लंग्स में अब्सेस वगैरह हो जाना तो भी इसको यूज़ किया जाता है। मोनोसेप काफ़ी ब्रांडेड दवाई है और काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, नाम से आपको किसी भी मेडिकल्स में मिल जाता है। इसको डोज जो होता है पर डे के हिसाब से इसको लिया जा सकता है, और इसको हमेशा आईवी के तौर पर ही लिया जाता है। जो जेंटामाइसिन और एमिकासिन है उसको आप आईएम के तौर पर दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन जो आपका ये आता है सेफ्रेटेक्साज़ोन आता है, इसको हमेशा आईवी ही लिया जाता है। इसको फ्रूट के साथ भी डायल्यूट करके लिया जा सकता है। इसका साइड इफेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें उल्टी वगैरह हो सकती है, मितली वगैरह, और दस्त वगैरह भी, चक्कर आने जैसे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है आपका एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लैबोनेट, जिसको आप जानते होंगे एग्यूमेंटिन के नाम से, 1.2 ग्राम में देखने को मिल जाता है, और 500 की क्वांटिटी में सिंगल एमोक्सिलिन वगैरह भी आपको ये मिल जाता है। ये दोस्तों एमिनो पेंसिलिन ड्रग्स होता है, यानी पेंसिलिन ड्रग्स के साथ देखने को मिल जाता है, और घाव को भरने में इसका काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ ये बलगम वाली खांसी को रोकने में मदद करता है, गले के इन्फेक्शन को रोकता है, आपका बुखार वगैरह हो रहा है, बर्न हो गया है, जल गए वजह से आपको घाव हो गया है, और उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यूटीआई के इन्फेक्शन में भी इस इंजेक्शन का बहुत अच्छे से काम किया जाता है, और टाइफाइड के रोगों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डोजेस होता है 1.2 ग्राम, इसको दिन में 2 बार तक दिया जा सकता है, वो पेशेंट की कंडीशन को देखकर ही लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एम्पैक्सिलिन एंड क्लॉक्सिलिन। एम्पैक्सिलिन एंड क्लॉक्सिलिन का आपको ब्रांड नेम मिलता है आपको एमिलॉक्स के नाम से, और भी कई सारे जेनेरिक ब्रांड मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसमें पिक्चर्स में देख रहे होंगे। एमिलॉक्स 500 ये पेंसिलिन ड्रग्स होता है, ये भी आपके आरटीआई इन्फेक्शन में, फोड़े फुंसी में, घाव को भरने में, लंग्स अब्सेस को भरने में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और
डोजेज होते हैं इसका 500 से 1 ग्राम तक, इसको दिन में 2 बार तक या 4 बार भी दे सकते हैं, लेकिन डोज जो होती है हमेशा डिवाइड करके दिया जाता है। तो गाइज ये थे कुछ फाइव इंजेक्शन जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आपके घाव को भरने में। किसी भी प्रकार घाव हो, संक्रमित घाव हो, किसी इन्फेक्शन घाव हो गया, तो आप इनमें से किसी भी एक इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जो काफ़ी सस्ता इंजेक्शन है वो जेंटामाइसिन है, जेंटामाइसिन का आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और पूरी जानकारी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन में इनके लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलता है नई वीडियो में। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।